हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय क्यों कांप उठता था? कशिश, कशिश बेटा वीडियो ऑन करो और आंसर दो। भूमि, के बाहर जाने पर पिता का हृदय इसलिए कांप उठता था क्योंकि उस वक्त उस गांव में महामारी फैली हुई थी, जिसके कारण कई बच्चों की मृत्यु हो गई थी। इसलिए वह अपने पुत्री को बाहर जाने से रोकते थे। क्योंकि उन्हें लगता था कि वो बीमारी जो थी, वो महामारी जो थी, वेरी गुड भूमि, कि महामारी जो थी वो केवल छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रही थी। तो पिता को लगता था कि वह बीमारी उसकी बेटी सुखिया को ना हो जाए, पर वो छोटी बच्ची थी और बाहर खेलती रहती थी, और इसलिए जब भी पिता उसको बाहर खेलते देखते तो उनका हृदय कांप उठता था। किस डर के कारण? सिर्फ इसी डर के कारण कि उसकी बेटी को वह बीमारी ना घेर ले। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन सही करते जाना। पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा का वर्णन करें। क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा का वर्णन करें। हाँ जी, हैंड रेज करो जल्दी से। सतपाल मैम, जो बच्चे हैंड रेस करें आप अनम्यूट की परमिशन इनको दे दो। मैम, दे कैन अनम्यूट देमसेल्स, परमिशन इज गिवन। यस मैम। हाँ जी बेटा, भूमि ने अगेन हैंड रेस किया है। भूमि भूमि बेटा आपने अभी आंसर दिया। और कोई स्टूडेंट? नो वन इन द लिस्ट मैम। कशिश मैम, इसकी वीडियो भी ऑफ है। कशिश, कशिश, कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर द क्वेश्चन। बेटा बोलो आंसर। पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा का वर्णन। दिलप्रीत, अनम्यूट एंड आंसर। दिलप्रीत, रणवीर, भूमि, यू गिव द आंसर। ऊंचे शैले पर्वत की चोटी पर एक मंदिर स्थित था, एक विशाल मंदिर स्थित था, जिसके ऊपर सोने के कलश तथा जब वह अंदर जा जब लेखक जब पिता अंदर जाता है तो उसे कमल पंकज देखते हैं, और जो मंदिर होता है उसका आंगन बहुत ज्यादा बड़ा हो मंदिर का आंगन भी बहुत बड़ा होता है, जिसमें तथा कई आग बूझ रखी होती जो माता जो माता कई भी बूझ रही होती है। भीतर जो भक्तों के मुख से निकल रही थी माता के लिए निकल रही थी, तथा वह मंदिर बहुत ही सुंदर था। बेटा एक बार सुरभूमि, वेरी गुड बेटा। और भी स्टूडेंट, कविता क्लियर है तो आंसर देने की कोशिश करो। हाँ जी, इसमें ऊंचे शैल, शैल पर्वत, पर्वत की चोटी पर एक बहुत विशाल मंदिर था, जिसमें सोने के कलश में एक जो कमल का फूल था, उसमें सोने का कलश सजा हुआ था, जिस पर सूर्य की किरणें जब पड़ती थी तो वो पूरी तरह से चमकने के रवि कर जाल के सूर्य की किरणें पड़ती थी, तो ऐसा लगता था कि वह कमल के फूल में रखा हुआ सोने का कलश मुस्कुराने लगता था, कि वो बहुत सुंदर दिखाई देता था। और मंदिर का आंगन, मंदिर की शोभा का वर्णन करना है, मंदिर का आंगन दीप और धूप से महकता रहता था, और मंदिर के अंदर, भीतर और बाहर लोगों की देवी की महिमा के लिए की गई भक्ति से पूजा का गुणगान जो था, उसके कारण वातावरण गुंजित होता रहता था, कि मंदिर के अंदर और बाहर देवी की महिमा जो गाई जा रही थी उसकी आवाजें गूंजती रहती थी। पुजारी से प्रसाद या फूल, क्योंकि पिता जो था वो अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए गया था, तो पुजारी से प्रसाद के रूप में फूल पाने पर
सुखिया के पिता की मनस्थिति कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी उसका वर्णन करें। हाँ जी, मोक्ष अनम्यूट करके आंसर दो जल्दी से। हाँ जी बोलो। किसका? इसी का। इसी का, पुजारी से जब उसने अचानक से पिता को जो वो फूल लेने गया था अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उसको मिल जाता है तो उसकी मानसिक स्थिति का वर्णन। जब वह पुजारी से फूल जब पिता अपनी पुत्री की आखिरी इच्छा पूरी करने जाता है और पुजारी से फूल मांगने जाता है और पुजारी जब उसे फूल दे देता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी अंतिम उसकी पुत्र की पुत्री की अंतिम इच्छा वह पूरी कर सकता है। बेटा उसको ना वो मांगता नहीं, उसको अचानक से प्रसाद में जब वो दीप और धूप जो थे वो अर्पण करता है माँ देवी के आगे तो पुजारी अपने हाथों में जो प्रसाद लेकर उसको देने लगता है तो उसको उसमें अचानक से एक फूल आ जाता है जिसे देखकर उसे क्या लगता है कि मेरी बेटी जो है वो परम सौभाग्यवती है कि वो भाग्यशाली है कि उसे स्वयं उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने का देवी अवसर दे रही है और उसे वो मंदिर से वो पूजा के प्रसाद का फूल जो है वो स्वयं मिल रहा है कि ये सोचकर वह सोचता है कि वह अपनी बेटी को जाकर जब ये प्रसाद का फूल देगा तो वह बहुत प्रसन्न हो जाएगी। मनस्थिति क्योंकि उसको फूल जो है वो अचानक से पुजारी के हाथों से मिल जाता है। पिता की वेदना और पश्चाताप का वर्णन करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैंने उस दिन भी बताया था जब कविता करवाई थी कि बेटा इसमें दोनों चीजों का वर्णन करना है कि उसकी वेदना उसका दुख क्या था और उसे किस बात का पश्चाताप हो रहा था। सुहाना सुहाना मैम, वेदना का मतलब क्या होता है? बेटा वेदना दुख या पीड़ा, पिता को किस बात का दुख था जब वो वापस जेल से बाहर आता है अपनी बेटी को देखता है तो उसे किस बात का दुख और किस बात का पश्चाताप? उसे इस बात का पश्चाताप था कि उसको अब बहुत ज्यादा देर हो गई है क्योंकि अब तक उसकी बेटी को उसको लगता था कि कुछ हो जाएगा, उसको बहुत ही देर हो गई थी क्योंकि सुखिया बहुत ही ज्यादा बीमार थी। और वेदना हाँ जी, और कोई स्टूडेंट जिसे लग रहा है कि इसने आंसर सही बोला है इस आंसर खुशी को? आंसर खुशी यस अनम्यूट आंसर रोल नंबर 37 खुशी। हाँ जी खुशी बोलो। पिता की वेदना ये थी कि वो अपनी बेटी को फोन देना चाहता था उसके अंतिम समय में और उसका पश्चाताप ये था कि वो अपनी बेटी को फोन नहीं दे पाया और उसकी बेटी की अंतिम इच्छा नहीं पूरी कर पाया। बेटा पश्चाताप तो आप क्लियर बोल रहे हो, वेदना वेदना दुख और पीड़ा जब वो जेल से बाहर आता है और अपनी बेटी को मरी हुई स्थिति शमशान भूमि में एक राख की ढेरी में देखता है तो उसकी वेदना क्या थी कि वो कह रहा है कि चिता की अग्नि बुझ चुकी थी पर उसके मन में एक आग थी जो जल रही थी। उसका अभिप्राय कि उसकी वेदना क्या थी पीड़ा क्या थी कि वह अंतिम समय में अपनी बेटी को गोद में उठाकर अंतिम विदाई नहीं दे सका। ये पॉइंट आपको तब भी कहा था कि ध्यान रखना वेदना और पश्चाताप, वेदना पीड़ा इस बात की थी उस पिता को उसके हृदय में किस बात का दुख था कि वह अंतिम समय में अपनी बेटी को अंतिम बार गोद में उठाकर इस संसार से विदा नहीं कर सका क्योंकि उसके आने से पहले उसके परिचित और रिश्तेदारों ने उसे चिता पर या आग के आग में जला दिया था तो इस समय उसकी वेदना और पश्चाताप इस बात का कि वह उसकी अंतिम इच्छा एक देवी के प्रसाद का एक फूल पूरी नहीं कर पाया था और इस बात के पश्चाताप के लिए उसका हृदय जो था वो दुख से व्यथित था, दुख से दुखी था। वेदना और पश्चाताप दोनों अलग अलग। बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की, ये तो शॉर्ट आंसर है। हाँ जी हैंड रेज करो। बीमार बच्ची ने, हाँ जी खुशी बोलो।
बीमार बच्ची ने देवी का एक फूल अपने पास रखने की, देवी का एक फूल लेने की इच्छा प्रकट की। बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? कि उसे देवी के प्रसाद का एक फूल चाहिए। हाँ जी, सुखिया पर के पिता पर कौन सा आरोप, आरोप दोष, उस पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया? हाँ जी, हैंड रेज। कौन सा आरोप लगाया था, उसने क्या ऐसा कसूर किया था जिसके कारण उसे सजा दी गई? शिवानी आंसर द क्वेश्चन। शिवानी, हाँ जी बेटा। सुखिया के पिता पर मंदिर को अशुद्ध करने का आरोप लगाया गया। वे अछूत जाति का था, इसीलिए उसे मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था। दंड स्वरूप सुखिया के पिता को 7 दिन जेल में रहने की सजा दी गई। वेरी गुड बेटा। पर उसने किया क्या था वास्तव में? उसने कुछ नहीं किया था, सिर्फ उस पर क्या आरोप लगाया गया कि इसने छल से, किसने छल क्या किया है कि इसने सज्जन बद्र जनों के तरह स्वच्छ वस्त्र पहन करके, इसने साफ कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश किया है और इसी अपराध के कारण उसे दंड दिया गया 7 दिन का। क्योंकि वह अछूत जाति से था तो उनको लग रहा था कि उसके पिता ने मंदिर में घुसकर मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है और इसने छल के साथ, ये छल क्या लग रहा था उनको, कपट क्या लग रहा था उन लोगों को, कि इसने स्वच्छ साफ कपड़े जो पहने हैं वो हमें धोखा देने के लिए पहने हैं और इस तरह मंदिर की अपवित्र कर दिया है और इसलिए उसे 7 दिन का दंड दिया गया। ये भी याद रखना न्यायालय के अनुसार, कि उस समय मैंने आपको बताया था कि परिस्थिति कैसी थी कि न्यायालय भी इस बात के लिए लोगों के साथ भेदभाव करता था जाति के आधार पर, कि ये नहीं कि उसको लोगों ने मारा पीटा, लोगों ने दंड दिया, साथ में न्यायालय भी था कि न्यायालय की ओर से उसे कानून अनुसार इस बात का दंड दिया गया कि उसे 7 दिन जेल की सजा दी गई। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया? मानिक, मानिक अनम्यूट करके बोलो बेटा। मानिक, जो भी आपको कविता में समझ आया। दिलप्रीत, दिलप्रीत जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया? हाँ जी बोलो। मैं बोल सकती हूँ? बोलो बेटा। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को एक राह की ढेरी के रूप में पाया, क्योंकि महामारी के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी। जेल से छूटने के बाद के पिता ने अपनी बेटी को किस रूप में पाया, कि जब वह जेल गया तो उसकी बेटी उसी रात अंतिम सांसें गिन रही थी, कि उसको पता था कि ये सुबह देख नहीं पाएगी, तो उसकी बेटी उसके जेल जाने के बाद मर गई और उसे उसके परिचितों ने तथा रिश्तेदारों ने, परिचित तथा संबंधियों ने उसे चिता में जला दिया था। और अब वह उसके सामने, जब वो जेल से बाहर आया तो वह उसके सामने एक बुझी हुई चिता की राख के ढेर के समान पड़ी हुई थी। तो उस पिता ने उस बेटी को किस रूप में पाया? अपने आंसर को आपने एक्सप्लेन करना है बेटा, क्योंकि 2-3 मार्क्स में आंसर सिर्फ 1 वर्ड या 1 लाइन में नहीं आंसर लिखोगे, कि वो बेटी जो उसे, जिसको वह छोड़ गया था और वह अंतिम सांसें गिन रही थी, उसके परिचित रिश्तेदार उसे पहले ही जला चुके थे, अब वह उसके सामने, जब वो 7 दिन का दंड भोग कर बाहर आया तो उस पिता को अभी भी आशा थी कि शायद वह उसे लेने के लिए घर से बाहर दौड़कर आ जाए, पर वही बेटी उसे बुझी हुई चिता के राख के ढेर के रूप में शमशान भूमि में पड़ी हुई मिली। इस कविता का केंद्रीय भाव या इस कविता में कवि जो है वो हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं, या अगर क्वेश्चन आ जाए कि उस समय की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए कविता का शीर्षक या कविता सार्थक है, अपना उत्तर दे। हाँ जी बोलो। इस कविता द्वारा संयम, इस कविता का केंद्रीय भाव आ जाए, उद्देश्य आ जाए, या कवि अपनी इस कविता द्वारा हमें क्या शिक्षा या किस बात का की
परिस्थिति का वर्णन करने के लिए संकेत कर रहे हैं। संयम ओनली भूमि हैज रेज्ड हैंड भूमि ऋषिका ऋषिका आपको आंसर क्लियर है मैम एक मिनट ऋषिका अनम्यूट एंड आंसर यस मैम बोलो बेटा ऋषिका हैंड रेज क्यों नहीं करते आप स्टूडेंट ऋषिका बोलो कविता का केंद्रीय भाव इस कविता का केंद्रीय भाव ये है कि छुआछूत मानवता पर कलंक है किसी को जन्म के आधार पर अछूत मानना और उसे मंदिर में प्रवेश ना करने देना अपराध है सुखिया के पिता को भक्तों ने सिर्फ इस दोष के कारण मंदिर से बोलो आगे ऋषिका हाँ जी भूमि इसे अपने आप को म्यूट कर लिया दोबारा से भूमि इस कविता में कवि ने यह प्रस्तुत किया है कि जिस तरह जात पात की हीन भावना के कारण एक पिता को अपनी पुत्री की अंतिम इच्छा पूरी करने का भी वो अपनी पुत्री की अंतिम इच्छा तक पूरी नहीं कर सका ये जात पात हमारा और इस कविता में कवि ने कहा है कि उस समय में जात पात की ये हीन भावना किसी मनुष्य को मंदिर में पूजा करने से भी रोकती थी तथा लोगों की ये भावना ने समाज में एक रेखा खींच दी थी इसलिए इस कविता में कवि ने सिर्फ यही प्रस्तुत किया है कि जात पात की इस हीन भावना ने कई लोगों की मृत्यु के कारण बन चुकी है कई लोगों की मृत्यु का कारण बन चुकी थी। हाँ जी इसमें एक ऐसी सामाजिक समस्या का चित्रण किया गया है मैंने आपको बताया था कि जिसमें सिर्फ छुआछूत के कारण इस समस्या का ये एक ऐसा रूप था कि जिसमें भेदभाव करने वाले व्यक्ति को केवल व्यक्ति के द्वारा ही तिरस्कार नहीं किया जाता था बल्कि न्यायालय के द्वारा भी दंड दिया जाता था। अगर वो चाहते मंदिर से उसको पिता को मारा पीटा गया उसको अच्छी तरह से उन्होंने अपनी उसकी पिटाई करने में कोई परहेज नहीं किया पर फिर भी उसको वो इतना क्रोध कि किसी जाति के प्रति कि वे उसको लेकर न्यायालय चले गए और न्यायालय ने भी विधि के अनुसार विधान के अनुसार के नियमानुसार उसे 7 दिन का दंड दे दिया। कि इस कविता में क्या किस कौन सी सामाजिक परिस्थिति समस्या का वर्णन किया गया है मुख्य रूप से छुआछूत का जिसमें सिर्फ एक छोटी सी बालिका का कि एक छोटी सी लड़की का प्रसाद में फूल पाने की इच्छा का परिणाम ये था कि उसके पिता को 7 दिन तक जेल और अपमान की पीड़ा झेलनी पड़ी कि समाज में इस समस्या का समाधान हो या ऐसा भेदभाव व्यक्ति के साथ न किया जाए और उसे इतना सख्त इतना कड़ा दंड न दिया जाए। इस परिस्थिति को चित्रित करने के लिए कवि ने इस समस्या को हमारे सामने रखा है क्योंकि उसने क्या बताया कि ये कौन सा नियम कानून है कि एक पिता अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकता और उसके साथ सिर्फ एक जाति के कारण न्यायालय के द्वारा भी दिया गया दंड और जिसके कारण वो अपनी बेटी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकता। क्लियर है बेटा कौन सी सामाजिक समस्या अगर आ जाए या किस बात बात के लिए इस पाठ में कवि ने जो है वो किसकी तरफ ध्यान दिया।